चक्रव्यूह में हम प्रधानमंत्री के विश्वासघात की चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस संदर्भ में आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मोदी जी ने अपने पद की शपथ से या संविधान से विश्वासघात किया। जी नहीं, आपका अंदाजा गलत है। अब आप विचार करने लगे होंगे कि मैं मुस्लिम समुदाय के साथ उनके विश्वासघात की चर्चा करूंगा। ऐसा भी नहीं है, मुसलमानों ने कभी उन पर विश्वास किया ही नहीं, तो वो उनका विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? उनको मुसलमानों के वोट की अपेक्षा नहीं है और मुसलमानों को भी उनसे किसी किस्म की अपेक्षा नहीं है। वो तो बेचारे उन लोगों का भी भला नहीं कर पाए जो उनको वोट देते हैं, तो हमारा क्या करेंगे? लॉकडाउन के बाद सड़क पर दम तोड़ने वाले न जाने कितने मजदूरों ने उन्हें वोट दिया होगा, परंतु प्रधानमंत्री ने उनसे आंखें मूंद ली, कई भाषण दिए, परंतु कभी भूल कर भी उनका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उन्हें उन गरीब मजदूरों से अधिक अपनी छवि की चिंता है। 31 वर्ष पूर्व कामेश्वर चौपाल नाम के दलित ने शिलान्यास किया था। इस बार दलितों की अनदेखी पर मायावती को परेशानी है। मुसलमानों में से कुछ लोगों को निमंत्रण दिया गया था, मगर मुसलमान समुदाय उन लोगों से शिकायत कर रहा है कि वो आखिर वहां गए क्यों। दरअसल इस बार मोदी जी ने किसी और से नहीं बल्कि अपने गुरु लाल कृष्ण अडवाणी के साथ विश्वासघात किया है। उस लाल कृष्ण अडवाणी के साथ जो पक्ष बचाने की खातिर मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर पूरे भारत में निकल पड़े थे, रथ यात्रा निकाली थी उन्होंने और सारे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। मैं उस लाल कृष्ण अडवाणी की बात कर रहा हूं जिन्होंने गुजरात दंगों के बाद मोदी जी की डूबती नैया को पार लगाया था। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने उन्हें हटाने का निर्णय ले लिया था और मोदी जी भी अपना त्याग पत्र पेश कर चुके थे। एल के अडवाणी को नहीं बुलाने का ये कारण बताया गया कि उनकी आयु 90 से अधिक है, इसलिए उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कार्यक्रम में सहभागी किया जाएगा। इस युग में यह बड़ी आसानी से संभव था, क्योंकि अभी हाल में अडवाणी जी की बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप में न्यायालय के अंदर जो हाजिरी हुई वो इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हुई। उन्होंने 1000 से अधिक प्रश्नों का उत्तर भी दिया। श्री अडवाणी से भाषण भी कराया जा सकता था, उस भाषण को दूरदर्शन से प्रसारित भी किया जा सकता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया। अडवाणी के सेक्रेटरी दीपक चोपड़ा ने कोलकाता के दैनिक टेलीग्राफ को बताया कि उन्हें तो फोन पर भी आमंत्रण नहीं दिया गया और ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शामिल होने का न्योता आया। यानी वो सारा माध्यम में फैलाया जाने वाला मात्र अफवाह थी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने फोन पर बात करने का दावा तो किया, परंतु अब किसकी बात को सच माना जाए, चंपत राय की या दीपक चोपड़ा की? चलिए अडवाणी जी की आयु 90 से अधिक है, परंतु जिस समय बाबरी मस्जिद को ढाया गया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी पक्ष के अध्यक्ष थे, उनकी आयु तो केवल 86 साल है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी आयु भी 88 वर्ष है, वो 90 से कम है, वो पहले आने वाले थे, फिर क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज पर महंत नृत्य गोपाल दास विराजमान थे, उनकी आयु 82 साल है। अब अगर 82 साल के गोपाल दास आ सकते हैं तो 86 साल के मुरली मनोहर जोशी क्यों नहीं आ सकते? ये सवाल सभी के मन में उभर रहा है। जिस वक्त राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उस समय बजरंग दल के अध्यक्ष विनय कटियार हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी, कई बार अयोध्या से सांसद भी बने, परंतु उनका भी पत्ता काट दिया गया। उमा भारती को बुलाया गया, परंतु उन्होंने पहले ही कह दिया कि उनका नाम सूची से निकाल लिया जाए, वो भी अकेले दर्शन कर लेंगी क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री की चिंता है, गृह मंत्री तो पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। असल बात यह है कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री के साथ मंत्रिमंडल की बैठक में शिरकत की थी, इसकी वजह से उमा भारती चिंतित थी, उन्हें प्रधानमंत्री से ज्यादा
अपने स्वार्थ की चिंता थी, लेकिन बात बनाने के लिए उन्होंने कोई और ही बात कह दी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान गुजरात ही के एक डॉक्टर परवीन तोगाड़िया हुआ करते थे। वो एक जमाने में विश्व हिंदू परिषद की अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, परंतु वो कहां गए कुछ पता नहीं चला। उन्हें तो दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। मोदी जी ने केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक को भाषण का अवसर दिया ताकि चुनाव में स्वयंसेवकों की फौज घर जाकर उनका प्रचार प्रसार कर सके। वैसे भागवत जी ने अडवाणी जी, अशोक सिंघल और महंत रामचंद्र परमहंस को याद किया, परंतु आप योगी आदित्यनाथ को देखें, वो प्रधानमंत्री की तो बहुत प्रशंसा करते रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने गुरु अवैद्यनाथ को याद नहीं किया। ये है विश्वासघात की परंपरा, जिसको मोदी जी योगी जी तक पहुंचा चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन के एक महासमर्थक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। अटल जी के मंत्रिमंडल में भी रहे। उन्होंने 2016 में उच्चतम न्यायालय के अंदर याचिका दाखिल करके राम मंदिर के निर्माण की अनुमति मांगी थी। उन्होंने मोदी जी के राम मंदिर आंदोलन में योगदान के बारे में क्या कहा, आप खुद उन्हीं से सुनिए। इसमें प्रधानमंत्री का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर का सारा बहस तो हम लोगों ने की, उन्होंने सरकार के तरफ से उन्होंने को ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं जानता हूँ, जिसमें हम कह सकते हैं उसके कारण निर्णय आया है। वास्तव में जो जिन्होंने काम किया उनका नाम मैंने दिया, पहले राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव और उसके बाद अशोक सिंघल, और वाजपेयी ने अड़ंगा डाली थी, अशोक सिंघल ने खुद मुझे बताई थी, यहाँ कोई समर्थन नहीं। अब राम सेतु के को राष्ट्रीय धरोहर करने के लिए जो फाइल है वो पड़ी हुई है प्रधानमंत्री के टेबल में 5 साल से, अभी तक उन्होंने दस्तखत नहीं की। कोर्ट में मामला है, मैं कल कोर्ट में जाकर के आदेश दे दिलवा सकता हूँ, परंतु तो मुझे बुरा लगता है कि हमारे पार्टी होने के बाद भी हमें इसके लिए कोर्ट में जाना होता है। हाँ तो दोस्तों, क्या आप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से सहमत हैं? अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, परंतु कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।